तो दोस्तों इंडियन बैंक के अंदर भर्ती निकल चुकी है और मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने इससे ऊपर की क्वालिफिकेशन की हुई है, डिग्री वगैरह की हुई है, तो आपको इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या नोटिफिकेशन है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो गाइस सबसे पहले पोस्ट का नाम है इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 और इसकी जो रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुई थी वो 1 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुई थी। टोटल जो वैकेंसी हैं वो हैं यहाँ पर 102। उसके बाद हम आपको पहले बताने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है फॉर ऑल अदर, तो यहाँ पर 1000 रुपये आपकी फ़ीस है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके अंदर आपकी GST भी इंक्लूड है। और अगर आप SC ST और PWBD से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पर जो फ़ीस है 175 रुपये है, इसके अंदर आपकी GST इंक्लूड है। और पेमेंट जो मेथड है आप ऑनलाइन कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। इसके अलावा अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं उससे भी आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लास्ट डेट जो है इस फॉर्म की 14 जुलाई 2024 है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर एज लिमिट जो रखी हुई है 1/6/2024 से लेकर आपकी जो एज है मिनिमम 23 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। और इसमें आपको एज की छूट भी मिलती है अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या फिर आप अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें मांगा गया है अगर आपने CA CWA ICWA या फिर आपने डिग्री या फिर PG डिप्लोमा डिग्री अगर आपने किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे जो पोस्ट का नेम है वो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, इसके अंदर 30 पोस्ट हैं। और सेकंड नंबर पे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, इसमें आपके 43 यानी 43 पोस्ट हैं। और थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं एसोसिएट मैनेजर की पोस्ट है जिसमें यहाँ पर 29 यानी कि 29 पोस्ट हैं। टोटल में बात करूँ तो यहाँ पर आपकी 102 पोस्ट रखी गई है। और अब बात कर लेते हैं कि आपको इंडियन बैंक में पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाएगा और पासवर्ड भी, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड और सिक्योरिटी डालकर आप सबमिट कर सकते हैं तो आप इसमें लॉगिन कर पाओगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये डिटेल यहाँ पर आप पढ़ लेनी है जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपके 6 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप में आपको फोटो सिग्नेचर, थर्ड में आपको डिटेल डालना है और फोर्थ में आपको प्रीव्यू और अपलोड पे आपको क्लिक करना है। देन 6th पे आपको अपना पेमेंट कटवाना है। तो आपका जो ये फॉर्म है ये फिलअप हो जाएगा और सक्सेसफुली आपका फिलअप होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा जो भी आप पासवर्ड बनाओगे। उसके बाद आपको वेट करना है अपने एग्जाम के लिए। और दोस्तों जो भी मैंने आपको इस वीडियो में वेबसाइट बताई है वो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, आपको वहां पर जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से घर बैठे इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। पेमेंट आप अपनी ऑनलाइन कटवा सकते हो अगर आप UPI या फिर आप कोई भी डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं, नेट बैंकिंग आप चलाते हैं तो उससे आप अपनी पेमेंट करवा सकते हो। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, देन उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। पे स्केल भी काफी अच्छा है दोस्तों, तो तुरंत जाकर इस जॉब के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको फिर अपनी तैयारी करना है, देन उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल पर, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।